नमस्कार, रागगिरी वीकेंड इंटरव्यू सीरीज में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और आज हमारे जो मेहमान हैं, उनकी जो परंपरा है, वो परंपरा इतनी समृद्ध है कि उस पर हम विस्तार से बात करेंगे। और देश और दुनिया के तमाम जो बहुत बड़े बड़े कलाकार हैं, उनके वो बहुत चहेते कलाकार हैं, उनके वो बहुत पसंदीदा कलाकार हैं। क्यों है ऐसा, और ये सब कुछ जो ताना बाना है वो कैसे हुआ शुरू, ये सब बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले स्वागत करते हैं फतेह जी का, फतेह सिंह अंगानी जी। बहुत बहुत स्वागत है फतेह जी आपका। नमस्कार, आपकी मेहरबानी, आपने हमें याद किया। तो सबसे पहला सवाल तो पंडित जी यही है कि जिस समृद्ध परंपरा से आप आते हैं, जो मतलब पूरी दुनिया में कथक का अगर नाम लिया जाए और उसमें जयपुर घराने का जिक्र हो, तो आप उस परंपरा के संवाहक हैं, उस परंपरा को लेकर आप आगे बढ़ रहे हैं। आपने लेकिन ताल वाद्य को चुना, आप तबले को तरफ गए, हालांकि आप कुछ कार्यक्रमों में हमने आपको पखावज बजाते हुए भी देखा है। ये कैसे तय किया आपने कि आपको कथक नहीं करना है बल्कि आपको ताल वाद्य की तरफ जाना है? देखिए, आपने भी परंपरा की बात करी ना, तो जयपुर में शुरू से परंपरा रही कि दो भाइयों में एक तबला वादक थे, एक डांसर थे। इन गुरुओं से भी पंडित जयलाल जी बहुत बड़े तबला वादक थे, सुंदर प्रसाद जी कथक के थे, पर उनको भी, दोनों को कथक तो आता था। ऐसे ही आप देखेंगे कि फिर नारायण प्रसाद गुरु जी डांसर रहे, तो उनके छोटे भाई तबला प्लेयर रहे, श्री मोहनलाल जी। ऐसे ही पिताजी डांसर थे, तो उनके छोटे भाई सोनलाल जी तबला बजाते थे। ऐसे ही राजू भैया ने डांस किया तो हमने बजाया। उसके बाद हमारे बच्चे, जैसे अभी राजू भैया का बेटा संगीत करता है, तो उनके साथ हमारे योगेश भाई का निश्चित बजाता है, दूसरा भाई डांस करता है तो मोहित भाई बजाते। तो ये एक परंपरा है, क्योंकि हमारे घराने में तबला ही एक तरीके से कथक में नाचा जाता है, इसलिए बंदिशों का विस्तार है, इसलिए तबला भी रहा। और तबला की बाकायदा शिक्षा ली जाती है। ऐसा नहीं कि जैसे बहुत सारे लोग सिर्फ डांस बजा के अपना काम चला लेते हैं, वैसा नहीं है। हमें विधिवत सिखाया गया पिताजी से तबला, और पिताजी ने हमको बताया कि कैसे, क्योंकि जब तक आप गुरु के सामने बैठ के सही शिक्षा नहीं लेंगे तो फिर वो टेम्परेरी काम होता चलेगा। रही पखावज की बात, पखावज में मैंने पंडित पुरुषोत्तम दास जी, गुरु तोताराम जी से सीखा, और मैंने पखावज को हमेशा जैसे कथक में यूज करते ने, क्योंकि पखावज को यूज करना आना भी एक बहुत बड़ी बात है। तो इंस्ट्रूमेंट के साथ जब मैंने बजाना शुरू किया, तो मुझे नहीं पता था कि शुरू में इसको कैसे बजाते हैं इंस्ट्रूमेंट के साथ, पर धीरे धीरे बड़े लोगों के चरणों में बैठ के आशीर्वाद लेके कुछ समझ में आने लगा कि इसका इसका भी रूप स्वरों में है, बड़बड़ बड़बड़ वाला नहीं। रही डांस की बात, तो डांस को तो हम 24 घंटे सिमरन करते ही हैं। तो जिस परंपरा का मैंने जिक्र किया, रागगिरी के जो सब्सक्राइबर्स हैं, जो इस इंटरव्यू को देख रहे हैं, उनको बताना जरूरी है कि जयपुर घराने के मूर्धन्य कलाकार, महानतम कलाकारों में शुमार कुंदन लाल गंगानी जी के पुत्र हैं फतेह जी, और राजेंद्र गंगानी जी का नाम उन्होंने लिया। पंडित राजेंद्र गंगानी जी भाई हैं फतेह जी के, और ये रागगिरी का सौभाग्य है कि आप दोनों कलाकारों का, बल्कि कहना चाहिए कि पूरे के पूरे जो गंगानी परिवार का स्नेह आशीर्वाद हमेशा रागगिरी के साथ रहा है, रागगिरी के अभिभावक के तौर पर आप लोग रहे हैं फतेह भाई। लेकिन एक चीज और बताइए कि बचपन में जब, क्योंकि बहुत ज्यादा फर्क नहीं है उम्र में, मतलब अगर सारे भाइयों को आप देखेंगे तो बहुत फर्क नहीं है, तो ये कैसे तय होता था कि कौन नृत्य करेगा और कौन तबला सीखेगा? कभी तो ये हुआ होगा कि आपने देखिए, कहा कि नहीं। जी 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 गुरु के पास एक अपनी आंख होती है अलग तरीके, और कुछ एटीट्यूड भी बता देता है कि क्या करेगा क्या नहीं करेगा। और फिर मैंने आपसे कहा ना कि हर समय जब हम छोटे थे, इसके अलावा कोई जिक्र नहीं था, इसके अलावा कोई बातचीत नहीं होती थी, अलावा डांस के या अलावा तबले के अलावा कंपोजिशन के। और जब क्लास में भी जब हम जाते थे, तो क्योंकि पिताजी खुद तबला बजाते थे कई दफे बैठ के क्लास में, तो वो उनको लगता था कि इसका यही ध्यान है, तो इसको यही सिखाओ। और फिर उस समय का जो एक चीज मैं आप बता दूं, कि शायद कुछ लोगों को शायद इस चीज पे ऑब्जेक्शन भी हो जाए, कि उस समय के जो फिल्म संगीत के गाने भी हमको सुनाए जाते थे बिना का गीत माला वगैरह में, तो उनमें तबले को कैसे अप्रोच करना है, कैसे बजाना है,
वो भी हमको समझाते थे पिताजी, सुबह जाके क्लास में भी समझाते थे कि कैसे बजाना है। और ये रहा, उनको पता था कि ये दो भाई तबला बजाएंगे तो एक दो भाई डांस करेगा, तो ऐसे करते करते वो परंपरा बनती गई, प्रैक्टिस करते करते बनती गई कि हम साथ में प्रैक्टिस करते थे। मैं भी डांस सीख नहीं जाता था करते केंद्र में, पर जब कोई तबला प्लेयर नहीं आते थे तो मुझे पिताजी बिठा देते थे कि चलो बजाओ। तो धीरे 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 ये प्रैक्टिस ऐसी होती गई। और फिर डांस का तबला बजाना बहुत मुश्किल की बात, क्योंकि डांस में तबला ही बजाया जाता है मेरे हिसाब से। आते ही थे के बाद तो डांस के इतने ही बोल हैं, उसके बाद उठान हो चाहे परन हो चाहे तोड़ा हो चाहे टुकड़ा हो, उसमें सब में तबले पखावज की बोल इस्तेमाल किए जाते हैं। तो वो विधि बस सीखा, और तय कोई नहीं करता, तय होके आता है मुझे लगता है ऊपर से। सिर्फ गुरु का आशीर्वाद हो, गुरु का मार्गदर्शन हो, उनकी कृपा हो तो गाड़ी चल जाती है। गंगानी की रही बात परंपरा, तो ये बहुत बड़ी एक बात है कि हमारे पिताजी ने अपने मामा जी से सीखा, नारायण प्रसाद गुरु जी से, उनके सगे मामा थे। उन्होंने एक वो गंगानी एकमात्र उनसे सीख के निकले, तो उन्होंने अपने टाइम पे बहुत सारे शिष्यों को सिखाया। ये एक्चुअली गंगानी परंपरा उनसे ही पड़ी, इससे पहले गंगानी की परंपरा का इतना नहीं था। उन्होंने खूब जोधपुर में सिखाया, जयपुर में सिखाया, दिल्ली या कथक केंद्र में आके सिखाया, और उस लेगेसी को उसी तरीके से हमारे भाई पंडित राजेंद्र गंगानी जी और ज्यादा मेहनत करके खूब सिखा रहे हैं। और मुझे ये अच्छा लगता है कि आज हमारे परिवार के बच्चे भी कम से कम सीख के काम करके सिखा रहे हैं। अच्छा, एक एक शरारत वाला सवाल और पूछ लेता हूँ, उसके बाद थोड़े से और गंभीर सवाल पूछूंगा। लेकिन पहले ये बताइए कि जब आप सब लोग बड़े हो रहे थे, सारे भाई, और सीखने सिखाने का सिलसिला भी चल रहा था, तो बदमाशी बदमाशी का मौका मिलता था या सब लोग खाली बस स्कूल जाना है, घर आना है, रियाज करना है, तबला बजाना है, कथक करना है, और उसके बाद बस अच्छे बच्चों की तरह रहना है? बदमाशी बदमाशी करने का मौका मिला कि नहीं मिला? बदमाशी खूब करी और खूब पिटाई भी खाई, मतलब पिटाई वाला भी मामला उधार नहीं था, जिस दिन करी उसी दिन मिल गई। ये नहीं कि कल देखेंगे। और बदमाशी भी उस समय इतनी ज्यादा वो नहीं थी बदमाशी, स्कूल भी हम बहुत कम गए, बहुत कम पढ़ने गए, क्योंकि रुझान इसी तरफ था। तो अगर जब हमने कुछ बदमाशी करी तो वो उनको देखिए, फ्रीडम विद इन द डिसिप्लिन तो उनको समझ में आता था, उसके बाद उनको समझ में नहीं आता था। उसके बाद उसका पनिशमेंट जो था, पनिशमेंट क्या था कि ऐसा नहीं कि उन्होंने कोई, चलो एक दो थप्पड़ भी लगा दिया, समझा दिया, पर वो उसके बाद 10-10, 15-15 दिन बात नहीं करते थे, सिखाते नहीं थे, ताकि वो पनिशमेंट याद रहे। फिजिकल पनिशमेंट तो आदमी बाद में मान ही लेता कि चलो आज आज भी होगा तो कल भी हो जाएगा, पर उनका पनिशमेंट ऐसा नहीं था। वो जाहिर नहीं करते थे कि वो नाराज हैं, जैसे आपने उनको कुछ बुरा लगा, आपने प्रैक्टिस नहीं की, आपने कोई बात नहीं की, या किसी ने आपकी शिकायत कर दी पड़ोसी ने आके, तो वो समझ जाएगी अगर आप पैर छू रहे हो, जवाब नहीं दे रहे 2-3 दिन, तो समझ जाएगी वो अभी चल रहा है सिलसिला। इस तरीके से वो शिक्षा उक्षा होती थी। हम भी गंभीर हो जाते थे कि अब क्या, अब गुरु को कैसे मनाया जाए, क्या किया जाए। तो हमारे पास एक सहारा था हमारी माँ, उनको हम जाके पकड़ते थे कि अब हमने तो कुछ ऐसा किया नहीं, पर वो जब तक खुद उस चीज से सेटिस्फाइड नहीं होते थे कि ये बात बिल्कुल ठीक है, ये गलत नहीं, ये वो गलत है, तब तक उस चीज की क्षमा याचना बहुत कम होती। अच्छा, अब कभी जब आप लोग बहुत, अब तो खैर बहुत नाम हो गया, बड़े बड़े कार्यक्रम कर लिए, बड़े बड़े कलाकारों के साथ संगत कर ली, अपने क्षेत्र में एक जो सम्मान होता है, एक जो पहचान होती है, वो सब कुछ हो गया, लेकिन कभी लगता है कि पिताजी और गुरु दोनों असमय चले गए, अगर रहते तो शायद 4 चीजें और सीख ली होती, या 5 चीजें और सीख ली होती, या 100 चीजें और सीख ली होती, और शायद बहुत कुछ और बेहतर होता। हाँ, ये तो ठीक है, बहुत चले गए थे, बहुत छोटे थे, और वो होते तो शिक्षा बढ़ती आगे, पर कुछ कुछ काम उनको एहसास भी था कि इनको जल्दी जल्दी बता दूं, कुछ जल्दी करवा दूं, क्योंकि हमारे पास कोई भी अप्रोच का साधन नहीं था किसी चीज का, नहीं तो इतनी हमें कोई किसी तरीके से कोई सहायता नहीं थी अलावा भगवान के और गुरु के आशीर्वाद के। तो वो आज भी हमारे पास कोई वही दो शक्तियां हैं, गुरु का आशीर्वाद और भगवान का
कृपा, क्योंकि वो हमेशा कहते थे कि तीन चीजें मिल जाए, अच्छा गुरु, अच्छा रियाज और अच्छा भाग्य, ये तीनों चीजें अगर कलाकार के जीवन में हो तो वो अपनी नैया बहुत अच्छी तरीके से पार लगा सकता है। और आपको मैं सही बताऊं, आज बहुत ऐसी जिज्ञासा नहीं है कि अरे यार ये हो जाता, अरे यार उसका ऐसा हो गया, अरे यार उसका ऐसा हो गया, कोई है नहीं। राजू भैया को ईश्वर की दया से पूरा संसार प्यार करता है, पर उनके मन में कोई ऐसी जिज्ञासा ही नहीं कि उनका कोई ये मिल जाए या वो मिल जाए, ऐसा रह जाए। वो आज भी अपना नियमित तौर पे कुछ भी हो जाए, सुबह उठ के तीन चार घंटे, तीन साढ़े तीन घंटे वो सुबह उठ के रियाज करते ही करते, चाहे वो सर्दी हो चाहे गर्मी हो, उसमें ही फोन अटेंड हो जाते हैं, उसमें सब कुछ हो जाता है। तो ये परंपरा हमारे को उन्होंने दी कि मेहनत करते रहोगे तो रास्ता बनता चला जाएगा। तो हमें आज भी उस चीज में विश्वास है कि, और वो बात तो सही कि माता पिता और गुरु का आशीर्वाद कभी प्रत्यक्ष में भी रहता है, अप्रत्यक्ष में भी रहता है, हमें सिर्फ उनको श्रद्धा से याद करना है। मैं आज भी स्टेज पे बैठता हूँ तो मैं यकीन करिए, मैं तबला जब कर्टन उठ जाता है तब मैं कहता हूँ यहाँ तक तो मैं आ गया हूँ, अब इसके बाद आपकी जिम्मेवारी है कि हमें इज्जत से उठाओ या बैठाओ, ये आपकी आशीर्वाद, तो भगवान की कृपा रहती है। अच्छा, मैंने कुछ मतलब कुछ लोगों ने ये भी कहा कि गुरुजी बहुत सख्त थे, मतलब उनको उनको गुस्सा भी आता था, और ऐसा नहीं था कि मतलब हमेशा प्यार से बात करना, कभी कभी गुस्सा भी करते थे। अब आपके परिवार में, मतलब मैं आप सभी भाइयों को से लगभग परिचित हूँ, और बहुत जैसा मैंने बीच में कहा भी था कि सबका स्नेह रहा है, आप लोगों में वो गुस्से का एंगल नहीं दिखाई देता, आप लोग बहुत सहजता से मिलते हैं, बहुत प्यार से मिलते हैं, तो ये क्या माँ की तरफ से आया, या ये भी पिताजी ने कहा कि देखो मुझे गुस्सा आता है लेकिन तुम लोग गुस्सा मत करना? देखिए, गुस्सा उनको जरूर आता था, पर वो सख्त थे अपनी ट्रेनिंग के लिए, अदरवाइज हमेशा ही गुस्से में नहीं रहते थे। और गुस्सा भी उनका एक ट्रेनिंग का पार्ट ही था, कैसे क्या करवाना है। और उस जमाने में मुझे लगता है सब गुरुओं को इस चीज का पता था कि किससे क्या करवाना और कैसे करवाना। आज के जैसे गुरुओं के लिए करना ही है, कराना ही है, सिखाना ही है, ये सारी कंडीशन पहले के गुरुओं के साथ नहीं थी। हमारे पिताजी बोल बता देते थे कि जाते थे दो दिन बाद याद दिला देना। अब वो तो आपको दो दिन, आपका तो बिजी हो गया ना शेड्यूल आपका, अब वो दो दिन में पूछे, दो महीने में पूछे, तो सिखाते वक्त वो थोड़े सख्त होते थे, अदरवाइज वो नहीं होते थे। और वो भी इसलिए कि उन्होंने अपने गुरु से उसी अनुशासन में सीखा, तो वो ही चाहते थे कि सही सीखे। और ऐसा वो, ऐसा मैंने कई दफे कही, उन्होंने कहा कि वो बहुत गुस्से में थे और गुस्से में रहते थे, नहीं ऐसा नहीं, नॉर्मल नहीं रहते थे। हाँ, सिखाते वक्त जब वो बता रहे हैं कोई बात, चाहे वो डांस की बता रहे हैं चाहे तबले की बता रहे हैं, उस वक्त पूरा डेडिकेशन, पूरा डिसिप्लिन और पूरी ऑनेस्टी उनके सामने होनी चाहिए उस शागिर्द में। अच्छा, मैं अब इस इंटरव्यू को खत्म करूं उससे पहले सिर्फ एक सवाल और जानना चाहूंगा कि ये जो एक तो होता है कि आपने किसी भी बड़े कलाकार के साथ एक बार बजाया और उसके बाद तस्वीर खिंचाई और अपने ड्राइंग रूम में लगा दी कि मैंने फला पद्म भूषण या पद्म विभूषण कलाकार के साथ बजाया है और बस यही मेरी पहचान हो गई। और एक होता है कि वो कलाकार आपको बार बार याद करे, वो आपसे बार बार कहे कि संगत, अगर मेरे साथ कोई संगत करेगा तो फतेह जी करेंगे। ये जो स्नेह आपको मिला है, ये जो प्यार आपको मिला है, ये जो सम्मान आपको मिला है बड़े बड़े कलाकारों से, ये आपको लगता है कि वो पिताजी की जो दी हुई सीख थी और उस सीख के साथ साथ जो आपने समर्पण था आपका, ये उसका नतीजा है, उसका इनाम है, उसका फलसफा है, जैसे भी आप कहना चाहें, लेकिन इसको किस तरीके से डिफाइन करते हैं? मैंने आपसे क्या कहा कि सबसे बड़ी बात तो गुरु से सीखना, ठीक है। उसके बाद मेरे जैसा व्यक्ति किसी बड़े कलाकार के साथ बैठता है तो मेरे लिए कॉन्सर्ट नहीं होता, मेरे लिए वो तालीम ही होती, क्योंकि जितने बड़े लोगों के साथ मुझे बैठने का आशीर्वाद मिला, पंडित रविशंकर जी, उस्ताद अहमद अली खान साहब, पंडित शिव कुमार शर्मा जी, राशिद भाई, तो मैंने हमेशा उसको क्लासरूम ही समझा है, मैंने उसको कॉन्सर्ट का स्टेज नहीं समझा, क्योंकि हम हर प्रोग्राम में उनसे कुछ ना कुछ सीख के ही उठते हैं।
और रही बात सम्मान की अवार्ड की, तो जिनके एग्जाम मैंने लिए उनके साथ बैठना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी अवार्ड की बात है कि इनके साथ बैठे, इनके साथ सीखे, इनके साथ मैं कभी नहीं कहता कि मैंने उनके साथ बजाया, और मेरे को लगता भी नहीं कि मैं कभी ये कहूंगा कि मैंने उनके साथ बजाया। हाँ, मैंने उनके साथ आशीर्वाद जरूर लिया, हर कॉन्सर्ट में सीखा। मैं जब 3.5-4.5 महीने विदेश में था, पंडित जी के साथ एक बैले बनाया था उन्होंने घनश्याम, जिसमें पंडित दुर्गालाल जी भी थे, तो हम लोग सुबह 10 बजे से शाम को 6-7 बजे तक साथ ही रहते थे, तो मैं हर समय उनसे कुछ सीखता था कि वो एक मिनट भी अपने काम को मतलब कैजुअल करना या मजाक करना नहीं, वो जब काम करते थे तो बिल्कुल सीरियसली रहते थे, और उस काम को भी ठीक ऐसे ही मैंने उस्ताद अहमद अली खान साहब को देखा कि वो चाहे कॉन्सेप्ट छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, तो वो अपनी उनका जो अपना जो पार्ट है वो पूरा करते हैं। तो मैंने यही सीखा, और मैं कभी नहीं कहता कि मैं इनके साथ कॉन्सर्ट बजाऊं, ईश्वर करे मेरे को इस लायक बनाए कि मैं कभी बजाऊं, और भगवान ने चाहे तो जरूर आगे भी बजाते रहेंगे, और बहुत सारे काम आपके आशीर्वाद से मैंने करने की कोशिश करी, पर वो है सब मेरी अपनी ज्ञान कर, क्योंकि मैंने उसको कभी सोचा भी नहीं था जो मेरे को जीवन में इस लाइन में अपने गुरुओं के आशीर्वाद से मिला, जिनके साथ बैठने को मिला। कोई ऐसा मंच नहीं जहां मैं अपने हाजिरी देने नहीं बैठा, तो ये तो बिल्कुल कहना ठीक है, जो बड़े लोगों के साथ आप बैठो तो कुछ सीख के उठ जाओ, आपके अवार्ड कॉन्सर्ट और नाम सब कुछ एक साथ हो जाता है, क्योंकि अब वो बायोडाटा की भाई आप किस किस के नाम डालोगे, क्योंकि इतने लोग हैं, और अब और हमें कभी किसी चीज की कंपटीशन नहीं रही शैलेंद्र भाई, सबसे बड़ी बात है, और हम हमारी रफ्तार से आज भी चल रहे हैं, ना हमारे पहले भी कोई हमारे पीछे था ना कोई आज भी हमारे पीछे। आपको हमारी हमारी परिवार की पूरी परंपरा पता है, आप अच्छी तरीके से जानते हैं, हमारे पास सिर्फ आप जैसे लोग, गुरु का आशीर्वाद और भगवान की कृपा ये है कि बस चल रहे हैं। और मुझे आज बड़ी, मैंने आपको नाम बताया कि मुझे भी बहुत खुशी है कि हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है वो भी खूब मेहनत कर रही है, खूब अच्छा काम कर रही है, पर मैं उनको ये कहता हूँ कि गंगानी आपका टाइटल नहीं है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब आपको उसको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी टाइटल तो ठीक है, बहुत सारे हो जाएंगे गंगानी, पर क्योंकि बहुत लोगों ने जब आहुति देते, बहुत लंबा कोई काम होता है तो उसके लिए बहुत लोगों की आहुतियां होती है, जब जाके कोई ईश्वर एक वृक्ष खड़ा करता है उसके नीचे लोग आके बैठ सकते, एक दिन में नहीं होता कुछ। बिल्कुल सही बात कही आपने, और संभवतः ये इस इंटरव्यू के खत्म होने के लिए बहुत अच्छा पॉइंट भी है कि गंगानी सरनेम इस देश में जो आने वाले आपके परिवार के कलाकार हैं उनके लिए सिर्फ एक टाइटल नहीं है और एक लेगेसी नहीं है, बल्कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। मेरी तरफ से बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं कि वो सारे कलाकार परिवार के अगली पीढ़ी के बहुत अच्छा करें, और मैं तो हमेशा से आप लोग की सहजता का कायल हूं कि कभी आज तक मुझे आपसे या राजेंद्र जी से मिलकर कभी ये लगा ही नहीं कि मैं इतने गुणी कलाकारों से बातचीत कर रहा हूं, और इतना आत्मीय और इतना पारिवारिक माहौल मिला कि मैं हमेशा से आप लोगों को अपने परिवार का हिस्से की तरह ही मुझे मानने का सौभाग्य, ये मेरा सौभाग्य मुझे मिला है। बहुत बहुत समय निकाला आपने, बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी हमेशा हमें बहुत समय देते हैं, रही बात गुणी की तो हम जिस दिन गुणी हो जाएंगे पहले आपको इन्फॉर्म करेंगे। बहुत बहुत जिस दिन भी हम गुणी होंगे बड़े होंगे तो आपको इन्फॉर्म करेंगे, पर मुझे लगता है कि हम न गुणी होंगे न बड़े होंगे, हमारी जो प्यार दोस्ती आपके साथ है ईश्वर करेगी हमेशा कामयाब रहेगी। कोई भी आपकी संस्था के लिए, आपके लिए, हमारे परिवार के लिए कोई भी काम हो हम उसके लिए सदैव आपके लिए आगे। बहुत बहुत धन्यवाद, और एक बार पुनः बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सर, थैंक यू।